जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस का यहाँ तक का प्रसंग मैंने आप सभी को सुनाया है। आज का प्रसंग है मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लज्जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी के हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे श्री गणेश को मानकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मैं ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सिहार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गों से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। मित्रों, यह रामचरितमानस का प्रसंग मैंने आपको सुनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।